नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी बोल रहा हूँ। साथियों, लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में मैं बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ, पेरेंट्स से मिलता हूँ, सोशल वर्कर से मिलता हूँ, प्रोफेशनल से मिलता हूँ। और जब भी उन सब से सपनों की बात होती है, जब भी गोल्स की बात होती है, हर आदमी एक एक्सक्यूज देता हुआ मिलता है। यदि मैं दुनिया में 50-60 एक्सक्यूज लिख लूं, तो मुझे लगता है सारा संसार उसमें से किसी न किसी एक कैटेगरी में आ जाएगा। अचरज की बात यह है कि मुझे बहुत कम लोग आज तक ये कहते हुए मिले कि हम हमारी कमजोरी की वजह से सफल नहीं हुए, हमने जो सोचा था वो हमारी कमी, हमारे आलस्य, हमारी लापरवाही, हमारी काम चोरी की वजह से हम हासिल नहीं कर पाए, ऐसा बोलने वाले बहुत कम मिले। साथियों, आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया की यदि कोई सबसे बड़ी बीमारी है जो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सपनों को हर दिन खत्म करती है, तो वो उस बीमारी का नाम है बहानाइटिस, एक्सक्यूजाइटिस। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी इस क्षण आपको चुनौती देता हूं, आप कोई बहाना मारिए, मैं आपको दुनिया में ऐसी अनेक सक्सेस स्टोरी बताऊंगा जो आपसे ज्यादा खराब परिस्थितियों में थे लेकिन उसके बाद उन्होंने सफलता हासिल की। क्या बहाना मारेंगे आप? क्या बहाना मारेंगे? ये बहाना मारेंगे, मुझे शिक्षा लेने का टाइम नहीं मिला या मौका नहीं मिला। फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड को भी शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। मुझे बचपन से घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर को भी अपना पहला जिंगल इसलिए गाना पड़ा क्योंकि उनको आर्थिक जरूरत थी, कम उम्र से उनको घर की जिम्मेदारी संभालना पड़ी। मेरे पिता का देहांत कम उम्र में हो गया था। प्रख्यात संगीतकार A.R. रहमान के पिता का देहांत कम उम्र में हो गया था। मैं आपके सामने खड़ा हूँ डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, मेरे पिता का देहांत जब मैं क्लास 2 में था तब हो गया था। कितने बहाने मारे और किस बहाने की काट दो? एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई। सुधा चंद्रन जो प्रख्यात नृत्यांगना है, दोनों पैर चले जाने के बाद भी उन्होंने नृत्य जारी रखा। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उनके दोनों पैर खराब थे, उसके बावजूद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। मैं अनेकों बार हार चुका हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जाने कितनी बार हारे थे अलग अलग लेवल पर, तब जाके वो राष्ट्रपति बने। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, किस गरीबी की बात करते हैं। भारत के प्रख्यात राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम एकदम गरीब घर में पैदा हुए रामेश्वरम। आज देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप हम सब जानते हैं, उन्होंने बचपन में गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेची। कौन सी गरीबी की बात करते हैं आप? कौन सी गरीबी की बात करते हैं? मैं दिवालिया हो गया। अरे पेप्सी कोला, दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन पेप्सी, पेप्सी कोला कंपनी 2 बार दिवालिया हो चुकी। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, असफलताओं से मैं टूट गया। वॉल्ट डिज्नी, डिज्नी ग्रुप के संस्थापक, 3 बार उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। मेरी ऊंचाई कम है, मेरी लंबाई कम है, अरे सचिन तेंदुलकर की भी ऊंचाई कम है, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मैन, पूरा वर्ल्ड के चैंपियन कहलाए वो। आमिर खान की भी ऊंचाई कम है फिल्मी स्टैंडर्ड से, वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए। क्या क्या बताएंगे आप? मेरी आंखों से ठीक से नहीं दिखता, प्रख्यात लेखक वेद प्रकाश मेहता, उनकी आंखें ही नहीं थी। मारी ये कौन सा बहाना मारने की ताकत है आपकी? आज मैं हर बहाने की यहां पर काट दूंगा आपको। कौन सा बहाना मारेंगे, कहां से लेके आएंगे बहाना? मुझे मंद बुद्धि कहा जाता था, मुझे बचपन में मौका नहीं मिला। थॉमस अल्वा एडिसन को उनकी स्कूल से मंद बुद्धि कहकर निकाल दिया गया था। मैं कुछ और बनना चाहता था, कुछ और बन गया। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं वकील बनना चाहता था, मैं IAS बनना चाहता था। अरे प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नेगी, दीवाने थे फुटबॉल के, फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेखक बन गए, लेखन में उन्होंने झंडे गाड़ दिए। मेरे बचपन में सुविधाएं नहीं थी, साइकिल में मैंने जिंदगी गुजारी। अरे निर्मा ग्रुप के मालिक करसन भाई ने आधा जीवन साइकिल पे निर्मा बेचा है। क्या बहाने मारेंगे आप, मार के दिखाइए कितनी ताकत है आप। मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं था,
लाइन लगी दुनिया में गैराज में शुरू होने वाली कंपनियों की, और नारायण मूर्ति जैसे लोग आपके सामने हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर व्यापार की शुरुआत की। क्या बहाने वाले, मैं बहुत मोटा हूं, मुझे शर्म आती है। प्रख्यात गायक अदनान सामी भी बहुत मोटे हैं। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज के कारण आकाशवाणी ने रिजेक्ट कर दिया था। क्या बहाना मारेंगे आप, रजनीकांत बस में टिकट काटा करते थे, आज भारत के सबसे बड़े हीरोज में से एक। साथियों, आप कोई बहाना लेकर आइए, आपको मैं चुनौती देता हूं, आप में जितनी ताकत है बहाना लाने की, दुनिया के किसी कोने से आप बहाना ले आइए, मैं आपको ऐसे अनेकों लोगों की कार्ड बताऊंगा जिन्होंने आपसे खराब परिस्थितियों में सफलता हासिल की। प्रश्न यह है, बहाना मारते हुए जिंदगी बिताएंगे या जिम्मेदारी लेंगे? उन लोगों की तरफ देखेंगे जो उन्हीं तकलीफों के कारण औसत रह गए, या उन लोगों की तरफ देखेंगे जिन्होंने उन तकलीफों को हराया, घूसों से हराया, लातों से हराया, हराया और हरा के प्रसिद्ध हुए। मेरी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है पाटनी साहब, आप पहले मिलते तो बहुत अच्छा होता। अरे KFC के मालिक ने 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। मेरी उम्र बहुत कम है, सानिया मिर्जा की उम्र कम है, मार्क जुकरबर्ग की उम्र कम है, हमारे इंडिया में योयो के रितेश अग्रवाल की उम्र कम है, ये सचिन बंसल विन्नी बंसल की उम्र कम है। अरे उम्र कम हो, उम्र ज़्यादा हो, उम्र मध्यम हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है आप जीतना चाहते हैं, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कहीं आप बहानों के कवच में अपनी कमजोरी तो नहीं ढक रहे हैं, बहानों के कवच में अपनी लापरवाही और आलस्य तो नहीं ढक रहे हैं, बहानों के कवच में अपना कंफर्ट जोन तो नहीं ढक रहे कहीं, और कंधे ढूंढ रहे हैं। मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी मम्मी ने ऐसा किया, मेरे समाज ने ऐसा किया, मेरे शहर ने ऐसा किया, मेरे पास तो दोस्त नहीं थे, मेरे पास तो यार नहीं थे, मेरे को इंग्लिश मीडियम में जाने का मौका नहीं मिला, मेरे को बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिला। अरे कौन सा बड़ा कॉलेज, स्टीव जॉब्स जो दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती थे, जिन्होंने एप्पल के नाम की क्रांति दुनिया में लाई, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट। आप क्या बात करेंगे? आज अपने आप से एकांत में बैठकर पूछिए, मैं वाकई जीतना चाहता हूं क्या? आज अपने आप से एकांत में बैठकर पूछिए, क्या मैं वाकई ऐसा कुछ काम करना चाहता हूं जिससे मेरे माता पिता को, मेरे शहर को, मेरे समाज को, मेरे को जानने वालों को और मेरे देश को मुझ पर गर्व हो? मैं आपसे पूछिए, अपने आप से एकांत में ये पूछिए कि मैं असल में जीवन से क्या पाना चाहता हूँ। अपने आप से एकांत में ये पूछिए, जो मैं पाना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्योंकि एक्सीलेंस गुरुकुल हमारा जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, उसमें मैंने देखा है पहले और दूसरे सेशन में लोग सैकड़ों बाधा बताते हैं, और अंतिम सेशन आते आते तक बाधा शब्द उनके आसपास उड़ान भी नहीं भरता, भय शब्द उनसे कोसों दूर हो जाता है, वो हर चुनौती लेने को तैयार होते हैं। यही मैंने VIP में देखा, यही मैंने गुरुकुल में देखा, और मैं आपको चुनौती देता हूँ, यदि आपने ईमानदारी से अपना ऑडिट किया, कौन सी बाधा मुझे रोक रही है, तो 99% संभावना है वो बाधा आप है, आपका कंफर्ट जोन है, आपकी कमजोरी है, आपका इमोशन है, आपका फियर ऑफ अननोन है, और जीतेंगे भी सिर्फ आप। हमारे जैसे लोग चिंगारी बन के आपके लिए आए, आप बारूद हैं, लेकिन बारूद भी अकेले नहीं फट सकता, उसको बाहर से किसी चिंगारी की जरूरत है। मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी इस क्षण अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको चिंगारी दे रहा हूँ, बाहर निकलिए, विस्फोट कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए आपको अपने पैदा होने पर गर्व हो। साथियों, यदि अभी तक आपने उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे फेसबुक पेज उज्ज्वल पाटनी पर जाइए, और यदि अपने सपनों को पाना है तो सबसे पहले देखिए आने वाला गुरुकुल या आने वाला VIP कहाँ हो रहा है, और वहाँ पर आइए, मेरे साथ खड़े होके ऑन स्पॉट वहाँ बहानों को आग लगाएंगे और नया शक्तिशाली यू आपको ढूंढ के लाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।